हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज से मैं डाइट प्लान्स की वीडियो लेके आया करूँगा। आज मेरी फर्स्ट डाइट प्लान वीडियो है। जो उनका डाइट प्लान है वो वगैरह का बॉडी बिल्डर्स हैं, आप अपना जिस्म बनाना चाहते हैं, बाइसेप ट्राइसेप जो भी आप एक्सेट्रा करना चाहते हैं, तो आपको सबसे जो उनका बेस्ट वे है वो आपको डाइट भी साथ में लेनी पड़ेगी। अकेले वर्कआउट से कुछ नहीं होता। क्या आप कहेंगे मैं जिम लगा रहा हूँ मेरी बॉडी बन जाएगी या कोई भी मेरा मसल इम्प्रूव हो जाएगा? डाइट के ऊपर बहुत डिपेंडिंग है कि आपको डाइट किस तरह की ले रहे हैं, उसी हिसाब से आपके मसल्स इम्प्रूव हों। तो आज जो सी हमारी वीडियो है, आज मैं आपको एग्स यूज़ के बारे में बताने लगा हूँ कि एग्स किस तरह यूज़ करने हैं, किस कितनी क्वान्टिटी के साथ यूज़ करने हैं, और रॉ एग यूज़ करना चाहिए या बॉयल फ्राई एग यूज़ करने हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एग्स खाने के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फ़ायदे ये हैं। ये जल बॉयल और फ्राई एग की हम बात कर रहे हैं। बॉयल और फ्राई एग जो उनसे हैं, ये जल्दी हजम होते हैं और हमारे बॉडीज के जो उनसे मसल्स हैं वो रिकवर करने में हमें मदद देते हैं। और इसका जो दूसरे नंबर पे है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में रखता है। और नंबर तीन, इसके अंदर कैलोरीज भरपूर होती हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं इसके अंदर। हमारा जो है तीसरे नंबर पे है, हाउ टू यूज़ एग्स वाइट ब्राउन, इसके अंदर डिफरेंस क्या है। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि वाइट एग खाएँ या ब्राउन एग खाएँ। इसके अंदर आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है दोनों के, ब्राउन एग और वाइट एग, ये दोनों सेम ही होते हैं। इनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, ना फैट का, ना विटामिन्स का, ना कैलोरीज का। इसके अंदर विटामिन, फैट, कैलोरीज बिल्कुल सेम टू सेम होती हैं। दोनों में जो मर्जी खाएं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। ये वैसे ही हमारे दिल का व्यायाम है कि ब्राउन एग जो खाएंगे उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है और वाइट एग से हमें कम एनर्जी मिलती है। नो, किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों सेम ही हैं, इसमें किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। और अब हमारा आता है चौथा और सबसे अहम पॉइंट कि हाउ टू यूज़ मैनी एग्स। एग्स कितने हम यूज़ करें पर डे में, पर डे हम कितने एग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कि आप एक जिमर हैं, आई मीन कि आप वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आप एक वर्कआउट नहीं लगा रहे, आप वैसे ही अपनी सादा ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो आपके लिए एक से दो एग बहुत है। फ्राई खाएँ चाहे वाइल का, एक से दो एग बहुत हैं। रॉन्डे की तरफ आप ना जाएं, वो स्लो डाइजेस्ट होगा, इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी असर पड़ता है। जो गेमर्स हैं, जो जिम करते हैं, वो कितने एग,
मेरा जो उनसे एक मानना है कि आप 6, 8, 10, 12 मैक्सिमम 12 तक आप खाएं अगर आप एक वर्कआउट लगा रहे हैं उसके दौरान। और डिपेंडिंग करता है आपके वर्कआउट के ऊपर भी कि आप वर्कआउट किस टाइप का लगा रहे हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं जाहिर सी बात है आपका इतना मसल्स टूट नहीं रहा होगा, वो बन रहा होगा, तो उसके लिए आपको ज़्यादा एग खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा वेट नहीं लगा रहे, आपको ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। वो रूटीन के साथ आपका जब मसल्स बनेंगे, मसल्स डैमेज होंगे, उसके हिसाब से आपको कैलोरीज की ज़रूरत हो, तो उसी हिसाब से आप अपने एग की जो सी क्वान्टिटी है वो ज़्यादा कर सकते हैं। जो गेमर्स हैं वो लगा रहे हैं अप लेवल पे, बिगिनर लेवल पे नहीं है, तो वो 8 से 10 एग 12 मैक्सिमम 12 एग तक खाएं। और पर डे ये नहीं है कि एट अ टाइम है कि मॉर्निंग में इवनिंग में खा रहे हैं, नो, ये आप पूरे डे में खाने हैं 12 अंडे, वन टाइम नहीं खाने 12 अंडे। ये भी कर सकते हैं आप 3 सुबह खा लें, 6 दोपहर में और नाइट में जो उनसे आप 3 खा लें, ये आपने पर डे खाने हैं, ठीक है। सो गाइस ये था हमारा आज का डाइट प्लान, आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दें, और अगर तक अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।